हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रागी मटर पराठा, जो टेस्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। अगर आपको ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और हेल्थ कॉन्शियस लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करो। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें इसके लिए चाहिए एक कटोरी जितना मटर, यह है भुना जीरा का पाउडर, यहाँ पे है एक कटी हुई हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची को कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ है नमक जो हमें चाहिए स्वाद अनुसार, आटा हम इसमें यूज करेंगे रागी का, ये मेरे पास दो कटोरी जितना रागी का आटा है, और एक कटोरी जितना हम यूज करेंगे प्लेन व्हीट फ्लार। सबसे पहले हम मटर को थोड़ा सा रफली कूट लेंगे, इस सबकी सहायता से इसे कूट लेंगे। मटर को मैंने रफली कूट लिया है, आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे रफली पीस सकते हैं। अब हम आटा लगा लेंगे। इसमें डालेंगे ये भुना हुआ जीरा का पाउडर, डालेंगे ये हरी मिर्ची, फिर डालेंगे हम ये अपना कूटा हुआ मटर, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम आटे को लगा लेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को अच्छे से लगा लेंगे। आटा लग गया है, मटर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से मटर के पराठे जो बनते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इसमें एक अच्छा सा क्रिस्प आता है। आटे की लोइयां मैंने बना ली हैं, अब हम इसे बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे क्योंकि रागी है तो इसमें जो है रोटी का फटने का थोड़ा सा डर रहेगा, इसलिए हल्के हल्के हाथों से प्लेन आटे के फ्लोर से ही हम इसे बेल लेंगे। एक रोटी मैंने बेल ली है, इसे बड़े ही ध्यान से हल्के हाथों से इसे उठाकर हम इसे अब तवे पे डाल देंगे। रोटी मैंने गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, अब हम इसमें ये रोटी को डाल देंगे। एक साइड से पहले सिकने देंगे, फिर इसे पलट कर फिर हम इसमें थोड़ा घी लगा लेंगे। एक साइड से सिक गई है, अब हम इसे पलट देंगे। अब इसी टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से घी इज द बेटर ऑप्शन। हल्का घी लगा लेंगे। और इसे दूसरे साइड से सिकने देंगे। देखिए पराठा कितने अच्छे से सिक गया है, अब हम इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए पराठा बन गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे बनाते वक्त ही मटर की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और ये बनेगा भी बहुत ही ज्यादा क्रिस्प। रेडी है गर्मा गर्म मटर रागी का पराठा। इसे बच्चों को भी बनाकर दें, वो भी कभी मना नहीं करेंगे। अचार के साथ, सब्जी के साथ, या सिर्फ चाय के साथ, ये सबके साथ बेस्ट लगेगी। आप जरा पराठे को देखें, ये कितनी क्रिस्प बनी है, और ये रागी का है तो बहुत न्यूट्रिशियस है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही मैं कोई एक हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।